हेलो एवरीवन। तो हम चले नुआखाई खाने अपने गाँव। अभी तो 6:15 हुआ है, देखिए कितना टाइम लगता है पहुंचने के लिए। ये BGH आ गया, अभी हम बोकारो से जस्ट निकल रहे हैं। तो ये हम पहुंच गए रांची। बोकारो से रांची होते हुए हम लोग उत्तरा में उड़ीसा में एंटर कर लेंगे। आपको इतना सुंदर सुंदर सीनरी देखने को मिलेगा। ये हम एक्चुअली रिंग रोड में जा रहे हैं। अगर रांची में हम एंटर कर लेते तो बहुत भीड़ होता है, जो कोई यहाँ रहता होगा तो पता होगा। तो टाइम बचाने के लिए हम इधर से जा रहे हैं। देखिए लग रहा है ना जैसे कि रनवे में जा रहे हैं। तो अब हम रांची पार हो गए हैं, रास्ता भी खाली है। 8:30 में हम लोग माँ को इंसुलिन भी दे दिए थे, तो अब खाने का भी टाइम हो गया था। तो देखिए आज हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या है, दही मोड़ी। तो ये मैं 400 ग्राम का दही का एक पाउच ले ली थी और इनको मैं दो जगह डाल दी हूँ। अब इसमें हम नमक मिर्च डाल देंगे। ये बोल रहे थे कि पिकनिक जा रहे हैं क्या। ये हमारी सासू माँ, देखिए ये घूम घूम के कैसे वीडियो उठा रहे हैं। दही में आपको जितना पानी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि कोई कोई पतला छाछ जैसे बना के खाते हैं और किसी किसी को गाढ़ा पसंद है। अब इसमें आपको जितना मुढ़ी खाना है वो डाल दीजिए। अगर लावा होता तो और अच्छा लगता, कोई नहीं मुढ़ी ही सही। ये टेस्टी तो होता है पर हेल्दी भी होता है। प्याज और ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर डाल के भी खाने से ये बहुत टेस्टी लगता है। मुड़ी खाओ चिड़ रिकॉर्डिंग है। हेलो दे। तो ये मैं पहले माँ और इनको दोनों को दे दी थी, फिर मैंने भी खा ली थी। और अब हम चल दिए आगे। मैं आप लोगों को सीनरी दिखाते दिखाते चलूंगी। अब हम पहुंच गए हैं सुंदरगढ़। तो ये कौन सी नदी है, आप लोग जो उड़ीसा में रहते हैं प्लीज बताइएगा। तो ये हम आ गए अपना गांव, गांव यानी कि ससुराल। NTPC तरलीपली, नाम तो आपने सुना ही होगा, ये उसका कैंपस है। ये आ गया हमारा घर। घर में भी कोई नहीं दिख रहे हैं। ये हमारा बेडरूम और ये देखिए दीदी यहाँ क्या कर रही हैं। तो बाकी नुआखाई पार्ट 2 में। बाय।